है मीरा। तभी वो पर्दा, वो वाक्य, वो मनमोहन और वो मंदिर। उस मंदिर में क्योंकि मीरा की शादी अमर से हुई थी, तभी माया सिद्धार्थ को लेकर शादी के लिए उसी मंदिर में गई। माया जिन अनजानी जगहों को पहचानती थी उसकी वजह मीरा थी। उन जगहों से मीरा का ताल्लुक था। मीरा गई थी उन जगहों पर जिनसे माया अपना ताल्लुक महसूस करती थी। तो यानी माया जो दोहरी जिंदगी जी रही थी वो मीरा की थी। माया मीरा बन जाती थी उन लम्हों में। पर अमर तो जानता था कि मैं मीरा हूं। हाँ, इसलिए अमर घर छोड़कर चला गया, क्योंकि इस जन्म में तो मैं उसकी बहू हूं, तो मीरा की तरह बर्ताव कैसे कर सकती हूं मैं अगर मीरा हूं तो माया का जीवन भी तो नहीं जी सकती। यानी ये जिंदगी इस मोड़ से आगे नहीं बढ़ सकती। इसे यही ठहरना पड़ेगा, यही ठहरना पड़ेगा इसे। माया, 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 क्या बात है छोटे साहब, क्या बात है? स्वामी, माया कहाँ है? बहुरानी अपने कमरे में। माया अपने कमरे में नहीं है, ना ही उसका सूटकेस है और ना ही उसके कपड़े। मैं समझा नहीं, माया कहीं चली गई है, वो ये घर छोड़कर चली गई है स्वामी। पर क्यों? मेरी वजह से। मैंने उसे इतना भला बुरा कहा, इतने इल्जाम लगाए उस पर कि अगर वो सह जाती तो मुझे भी ताजुब होता। पर छोटे साहब, बहुरानी को आपने ऐसा क्या कह दिया? मैंने माया पर इल्जाम लगाया कि डैड उसी की वजह से घर छोड़कर गए हैं, और अब देखो ना, वो खुद भी घर छोड़कर चली गई। एक एक करके सब ये घर छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी तुम ही बताओ कि अब मैं कहां पर तलाश करूं उसकी। छोटे साहब, जब मैं बाजार जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बहुरानी के सैंडल्स मैंने स्मृति मंदिर के बाहर रखे हुए देखे थे। शायद बहुरानी स्मृति मंदिर में होंगी। माया, माया प्लीज दरवाजा खोलो। माया, माया प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो। माया, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता हूं। देखो, डैड घर छोड़कर चले गए हैं तो मैं इतना परेशान था कि मेरे मुंह में जो आया मैंने तुमसे बोल दिया। माया, मैं मानता हूं कि मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा, लेकिन बात का इतना बुरा नहीं मानते कि तुम घर छोड़ने के बारे में बात करने लगो। मैं ना तुम्हें और ना इस घर को छोड़ के जा रही हूं सिद्धार्थ। मैं तो इस जिंदगी को ही त्याग रही हूं। माया, देखो देखो ऐसी बातें मत करो। मुझसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारी गलती तो हर किस नहीं है सिद्धार्थ। अगर कोई गलत है तो ऊपर वाला। मैं दरवाजे के उस पार की जिंदगी अब नहीं जी सकती सिद्धार्थ। उस घर को सलामत रखने के लिए मुझे दरवाजे के इस पार ही रहने दो। भूल जाओ मुझे सिद्धार्थ, भूल जाओ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता अब असंभव है सिद्धार्थ। चले जाओ यहां से, चले जाओ। Thank you.
कोई उपाय तो करना पड़ेगा, जीवन ऐसे ही थोड़े चल पाएगा, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा स्वामी कि हालात को कैसे संभाला जाए। वहां माया जिद करके बैठी है कि वो इस घर में वापस नहीं आएगी, और डैड ने कहा है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। स्वामी आप ही बताइए कि इस सब में मैं क्या करूं। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें खाना खिलाइए। सबसे पहले यह जरूरी है कि उनके मुंह में अनाज का दाना जाए, बाकी समस्याओं से बाद में निपट लेंगे। इस असंभव को संभव करने का कारण और कोई नहीं, तुम हो मीरा। मैं इस घर में अपनी मौत के बाद तक अल्लाह देती तो यहां जिंदगी आगे बढ़ पाती। अब वक्त के साथ जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या जरूरत थी तुम्हें, क्या जरूरत थी तुम्हें तुम्हारा माया बनकर जन्म लेने की? अब मैं किसकी जिंदगी जीऊं, अमर की मीरा बनकर या सिद्धार्थ की माया बनकर? दरअसल दोनों में से कोई एक जिंदगी जीना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। अगर कुछ संभव है तो मौत, और उसी राह पर आगे निकल चुकी हूं मैं। ये दोहरी जिंदगी अब मेरे लिए जीना असंभव है। असंभव है ये। माया, माया प्लीज दरवाजा खोलो। तुम मेरी खातिर दरवाजा ना खोलो, लेकिन माया कम से कम कुछ खा तो लो। माया कम से कम बात तो करो। तुमसे प्यार किया है मैंने, और अपनी कुछ परेशानियों की वजह से अगर मैंने तुम पर कुछ बेबुनियाद इल्जाम लगा भी दिए तो मैं उनकी माफी मांग चुका हूं। माया प्लीज प्लीज ऐसे खामोश मत रहो। देखो, अगर तुम अपनी परेशानियों के साथ दरवाजा बंद कर अंदर बैठ जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है ये परेशानियां मुझे परेशान नहीं करेंगे? ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा सिद्धार्थ। तुम जाओ, जाओ और वापस मत आना। चले जाओ सिद्धार्थ। माया, मैं भी उतना ही परेशान हूं जितनी तुम। और एक बात कहूं, मुझे इस कदर परेशान करने का पूरा इल्जाम तुम पर जाता है। सुन रही हो ना माया? ठीक है, मैं ये खाना दरवाजे के बाहर छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम ये खाना जरूर खाओगे। डैड, माया को बचा लीजिए डैड। क्या हुआ माया को? जब से आप गए हैं तब से उसने अपने आप को स्मृति मंदिर में कैद कर लिया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया है डैड। ऐसे वो मर जाएगी डैड, प्लीज कुछ कीजिए। उसे कुछ नहीं होगा, माया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस बार मरना तो उसे है जो कई साल पहले मर चुका था। माया को कुछ नहीं होगा।
बेटे मुझ पर भरोसा करोगे, अपने इस दोस्त पर भरोसा रखोगे? अब मैं आया हूं ना, मैं इस समस्या का हल साथ लाया हूं, मुझे बस कल सुबह तक की मोहलत दो। दोगे ना? दोगे ना? एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके? मैंने स्वामी को सब कुछ समझाया है, तुम जा, स्वामी तुम्हें समझाएगा। तुम दोनों जाकर कल सुबह की तैयारी करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है डैड, मैं जाकर कल सुबह की तैयारियां करता हूं। माया, माया, माया दरवाजा खोलो। मीरा, मीरा, राधा और कान्हा में कितना प्यार था उस यदुनाथ मंदिर के आसपास, याद है ना? अमर और मीरा में जो प्यार था वो तो जानती होगी ना, कितना प्यार था अमर और मीरा में, जानती हो? याद है मीरा? मीरा, मैं अंदर आ सकता हूं? मीरा, पहले तुम कुछ खाना खा लो। तुम इस तरह भूखी रहोगी तो हमारी बहू सिद्धार्थ की माया वो मर जाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो पहले तुम खाना खा लो, बाद में हम बहुत बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। स्वामी जी, छोड़ो साहब। स्वामी, माया ने खाना खा लिया। भगवान की बड़ी दया हो, और देखना साहब ने वादा किया है कि कल हवन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए पूरी आस्था के साथ हवन की तैयारियां करते हैं। चलिए छोटे साहब। इतना प्यार किया तुमने मुझसे, इतना याद किया मुझको कि मुझे वापस आना पड़ा। मौत के बाद भी ये दास्तां चलती रही अमर। लेकिन मीरा, अगर ये दास्तां खत्म नहीं हुई तो ये घर खत्म होगा, बर्बाद होगा। इस घर की खुशियां खत्म होगी, हमारा बेटा सिद्धू उसका भविष्य खत्म होगा। ये दास्ता चलती रहे और बाकी की जिंदगियां भी चलती रहे तो हर्ज क्या है? मुझे ये बताया गया है, अगर तुम्हारी छाया इसी तरह अपनी बहू पर पड़ी रही तो हमारी बहू वो कभी गर्भधारण नहीं करेगी।
और ये ठीक नहीं है। मीरा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बेशक बहुत प्यार किया, लेकिन इतना तो नहीं कि उससे किसी को दर्द पहुंचे। मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है अमर। तुम इतने साल बहुत तन्हा रहे, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं यही रहूंगी, माया के वजूद में वाबस्ता होकर। सवेरा होने को आया है मीरा, इसी सुबह के साथ तुम्हारी रुखसत का वक्त आया है। इस घर से, हम सबकी जिंदगी से, हमारी यादों की दुनिया से विदाई लेने का तुम्हारा वक्त आया है। तुम्हारी विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी है मीरा। गर्भधम स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन स्वसत्य स्वक हट न करो मीरा, चली जाओ, चली जाओ। जो प्यार किसी को दुख पहुंचाया है, उस प्यार में कोई खराबी कोई खोट होता है। हम अमर और मीरा के प्यार को ये इल्जाम क्यों दे। अब रुखसत लो मीरा, रुखसत लो, चली जाओ। अलविदा अमर। साहब, क्या हुआ? मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। यानी तुम चली गई। शुक्रिया मेरा, शुक्रिया। हमेशा खुश रहो।